अभी ये आगे से 200 का है, पीछे से 250 का है, तो इस आगे वाली क्लैम में तो 200 का स्पेसर लग गया और इस वाली में 250 का लग गया। तो ये 200 का इसको आगे से पकड़ लेगा और 250 का पीछे से पकड़ लेगा और ये टी आपकी 200 के अंदर आई गई। टाइट आगे पूरा बिठा के कर दे, अलाइनमेंट आ जाएगी पूरी पूरी। इसको पहले आगे पूरा भिरा लिया और इसके बाद में अब नट टाइट कर देंगे ताकि जो अलाइनमेंट है वो अपने आप आ जाएगी, इसमें फेसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बहुत ही फ्री है ये एकदम। उसके बाद ये अपन ने हीटर रख दिया इसमें। इसको लगाने के बाद में इसको हल्का सा यहाँ से टाइट कर देंगे, ये इसका होल्ड का है। इसको टाइट करने के बाद में पीछे नहीं जाएगा क्लैंप, जहाँ पे प्रेशर मार के आपने छोड़ दिया वहीं पे रहेगा। इसको टच करके इसको छोड़ दिया, अब इसको जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप यहीं छोड़ दो। इसमें प्रेशर दे के रखेंगे जब तक रिंग नहीं आएगी चारों तरफ। ये इधर आनी चालू हो गई है, और इस साइड में भी हो गई है। चारों तरफ जब आ जाएगी आगे नहीं चल रहा। अब इसके चारों तरफ रिंग आ गई है, इसके बाद इसको टाइट कर देंगे तो ये जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। और फिर इसको जितना भी अपन टाइम देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, वो देकर फिर जॉइंट कर देंगे। अब ये पीछे नहीं जाएगा, जहाँ पे है वहीं पे रह जाएगा।